राशन की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से विभाग भी हाईटेक तरीके से ई राशन कार्ड के माध्यम से काम करने के लिए प्रयासरत है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ई ऐप शुरू करके अपने उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इससे कोई भी उपभोक्ता डिपो की कार्यप्रणाली से लेकर व्यवहार शिकायत तक मोबाइल ऐप से तुरंत कर सकता है और बाद में विभाग भी ऐप से आई जानकारी का संज्ञान लेकर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। डीएफसी हमीरपुर नरेंद्र धीमान ने बताया कि ई राशन कार्ड ऐप से उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा। डीएफएससी हमीरपुर नरेंद्र धीमान ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए ऐप जारी किया है ताकि इस ऐप के जरिए राशन पाने में आसानी हो। साथ ही ऐप में आधार नंबर लिंक करने के बाद राशन कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्हें बताया कि ऑनलाइन ऐप के शुरू होने से कालाबाजारी तो रुकेगी बल्कि डिपो होल्डरों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी। विभाग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है एंड्रॉइड के लिए विशेषकर, तो वो है epds.hp, जिसको आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे आप अपने आधार नंबर से जो है अपना कार्ड फैच कर सकते हैं। आधार नंबर पे जो QRC कोड है उसको स्कैन करके मोबाइल आपका जो राशन कार्ड है वो उसका लिंक उस पे मिल जाएगा ऐप पे। और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं जिसमें कि आप उसको करने से ये होगा कि आपको राशन कार्ड जेब में रखने की जरूरत नहीं, एक प्रकार से ई राशन कार्ड होगा। और जब डिपो पे भविष्य में बायोमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑथेंटिकेशन के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी तो आपको राशन कार्ड जेब में रखने की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपली अपना थंब इम्प्रेशन या जो भी है वो दे के आपका राशन कार्ड नंबर और वो उसके मेम्बर जो हैं और एंटाइटलमेंट्स जो है वो शो करेगा जो डिपो पे पॉज मशीन रखी हुई है। तो इस ऐप में विभाग ने कुछ लिंक दिए हैं जिसमें संबंधित कस्टमर जो है अपने फीडबैक दे सकता है कि आपको उस डिपो होल्डर का व्यवहार कैसा है, मशीन यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, सफाई कैसी है और बाकी रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया है क्या नहीं है, कोई खामी है तो आप जो है उस पर इस लिंक पे भेज सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी विभाग ने एक और 1967 टोल फ्री नंबर भी जारी किया, वो उस पर भी शिकायत कर सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं। हमारे जिला में लगभग 1,35,000 के करीब राशन कार्ड हैं जिसमें से 1,30,000 लोगों को वितरित किए जा चुके हैं। इसमें लगभग 50% राशन कार्ड में खामियां थी, कुछ में नाम की स्पेलिंग्स की गलती थी या कोई मेंबर उसमें ऐड नहीं हुआ था या कोई ऐड हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा कार्ड की कैटेगरी या कोई फेयर प्राइस शॉप्स की आईडी गलत लिखी जा चुकी थी, तो उसको हम अपने इंस्पेक्टर से और जो स्टाफ है उससे उसकी अपडेशन करवा रहे हैं। उसमें भी हमने लगभग 35,000 के करीब राशन कार्ड जो है वो अपडेट कर दिए हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में 1,35,000 राशन कार्ड उपभोक्ता हैं और ऑनलाइन ऐप शुरू होने से अब उपभोक्ताओं को राशन से लेकर दूसरी समस्याओं पर विराम लगेगा। ऐप में सारी जानकारी मौजूद रहने से उपभोक्ताओं के राशन पर भी डाका नहीं मारा जा सकेगा।